हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं क्लास वन की जीके की वर्कशीट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन मैंने आप लोग साथ शेयर किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर चेकआउट करें। अगर आपके बच्चे के पास बुक्स नहीं है तो आप इन वर्कशीट के थ्रू अपनी बच्चे की पढ़ाई को स्टार्ट करवा सकती हैं। वर्कशीट के थ्रू बच्चे पढ़ाई करने से बहुत ही कम समय में अपने सारे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसका सिंपली हमें एक आंसर देना है, वन वर्ड, सिर्फ एक आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच टूल अ पेंटर यूजेस टू पेंट बिल्डिंग। बिल्डिंग को पेंट करने के लिए पेंटर कौन सा टूल का इस्तेमाल करता है। विच बिन किसकी सहायता से पेंट करता है, ब्रश की सहायता से पेंट करता है, BRUSH, ब्रश। नंबर टू, विच मशीन हेल्प अस इन अ बिल्डिंग टू गो अप एंड डाउन। बिल्डिंग में कौन सी ऐसी मशीन होती है जिसकी वजह से हम ऊपर वाले फ्लोर में जा सकते हैं, नीचे वाले फ्लोर में जा सकते हैं। यस, लिफ्ट की सहायता से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, LIFT, लिफ्ट। नंबर थ्री, व्हाट इज द कलर ऑफ अ लेटर बॉक्स। जो हमारे घर पे जो लेटर बॉक्स होता है उसका कलर क्या है, रेड, RED, रेड। नंबर फोर, द फर्नीचर ऑन विच वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इज कॉल्ड। जो फर्नीचर जिसमें हम सोते हैं और रेस्ट करते हैं उस फर्नीचर का क्या नाम है, बेड, BED, बेड। वी कीप आवर क्लोथ्स इन, हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, वार्डरोब, WADROBE, वार्डरोब। वार्डरोब में हम सब अपने कपड़े रखते हैं। पिज्ज़ा बर्गर एंड नूडल्स आर डैश फूड। पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स को कौन से फूड कहा जाता है, जंक, JUNK, जंक फूड। नंबर सेवन, हु इज़ नोन हैज फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन हम किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को, MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी। वेयर डज अ डॉग लिव, डॉग कहाँ रहते हैं, केनल, KENLEL, केनल। नंबर नाइन, विच सेंस ऑर्गेन हेल्प्स टू हेयर वेरियस साउंड। बहुत सारे साउंड होते हैं, म्यूजिक होता है, वो हम किसके द्वारा सुन पाते हैं, कौन से बॉडी पार्ट के द्वारा हम सुन पाते हैं, ईयर, ईयर के द्वारा ही हम सारे म्यूजिक साउंड वगैरह को सुन पाते हैं, EAR, ईयर। नंबर टेन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। हम क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, 25th December, DECEMBER, डिसम्बर, 25th December को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नंबर टू में आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैचिंग करना है। नंबर वन देखिए, तो रूट इज ए, रूट क्या है, रूट इज ए पार्ट ऑफ ए ट्री। गांधी जयंती इज आवर नेशनल फेस्टिवल, गांधी जी हमारा, गांधी जयंती क्या है, हमारा नेशनल फेस्टिवल, तो हम मैच कर देंगे, इज आवर नेशनल फेस्टिवल। तबला क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लोटस इज ए फ्लावर, एक फूल है। देयर आर सेवन कलर इन ए, सेवन कलर कहाँ होते हैं, रेनबो में, रेनबो में हम मैच कर देंगे। नंबर थ्री में आ जाते हैं, राइट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन बॉक्स। गिवन बॉक्स में बहुत सारे वर्ड है, वही वर्ड हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आई गिव यू हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट हमें कौन देता है, माउस, फ्लूट, सन, बुक, स्टोर, कौन हमें देता है, सन, SUN, सन। नंबर टू में आ जाते हैं, You go there to buy books. Books खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, माउस, फ्लूट या बुक स्टोर, हम कहाँ जाते हैं, बुक स्टोर, BOOKSTORE, बुक स्टोर। नंबर थ्री में आ जाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पार्ट है, माउस या फ्लूट, माउस, MOUSE, माउस जो है वो कंप्यूटर का पार्ट है। इट इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है, फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। नंबर फोर में आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ए गिवन क्लू। यहाँ पे क्लू दिया हुआ है और क्लू के जो फर्स्ट वाले वर्ड है उसी से ही हमें एक सेंटेंस को स्टार्ट करना है। नंबर वन है, नेम द सेंस ऑर्गन, यहाँ पर हमें एक सेंस ऑर्गन का नाम लिखना है। यहाँ पर एन दिया हुआ है, एन से कौन सा सेंस ऑर्गन स्टार्ट होता है, नोस, NOSE, नोस। अगर हम उसे सॉल्व करें उस जंबल वर्ड को तो वहाँ पर उससे भी नोस निकल कर आएगा, ठीक है। वेयर डज ए बर्ड लीव, बर्ड कहाँ रहते हैं, आंसर स्टार्ट है NEST, नेस्ट, बर्ड कहाँ रहते हैं, नेस्ट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर नेस्ट। वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड, इंडिया गेट कहाँ से लोकेटेड होते हैं, डी से स्टार्ट है, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो दिल्ली निकल कर आएगा। नंबर फोर, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, इंडिपेंडेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, अगस्त, ए लिखा हुआ आगे में, अगस्त, AUGUST, अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो अगस्त आएगा। नंबर फाइव, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू सी थिंग, बाकी चीज़ें देखने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन हमें काम आता है, IE, लिखा हुआ था, अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो आई आएगा। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, S लिखा हुआ है, वेरी इजी, सॉरी, SORRY, सॉरी।
अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉरी निकल कर आएगा। सर्कल द ऑड वन आउट, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें जो भी ऑड वन होगा, जो एक एक मतलब बहुत अलग होगा वर्ड, उसे हमें सर्कल करना है। जैसे बस, कंप्यूटर, कार, स्कूटर। बस, कार, स्कूटर ये एक व्हीकल है, लेकिन कंप्यूटर क्या एक मशीन है, तो ये ऑड है तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नंबर टू में आ जाते हैं मैंगो, ग्रेप्स, रोज, बनाना। मैंगो, ग्रेप्स और बनाना एक फ्रूट है और रोज जो है वो फ्लावर है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नंबर थ्री, हॉर्स, कैट, डॉग, कैरेट। हॉर्स, कैट, डॉग ये एनिमल है और कैरेट जो है वो फ्रूट्स है, तो कैरेट को हम सर्कल कर देंगे। नंबर फोर, तबला, गिटार, टीवी, पियानो। तबला, गिटार, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और टीवी जो एक मशीन है, तो हम टीवी को हम सर्कल कर देंगे। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो कैसा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये वीडियो मिले जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।